अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सेवन सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज थ्री के रिमेनिंग क्वेश्चन तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर थ्री डेसिमल नंबर्स एंड एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ टेन अपने तो इंफ्रेक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसमें डिनोमिनेटर की जो पावर है जो वैल्यू है वो बेसिकली आपने टेन की पावर में लेकर आना है ओके सो सो लेट्स सपोज कि फर्स्ट क्वेश्चन है so यहां पर डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये वैल्यू टेन की पावर में मौजूद है यहाँ पर बेसिकली टेन की पावर वन है ओके okay? सो so हम इजीली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक like आपके पास जितनी भी टेन की पावर मौजूद होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां पर टेन की पावर है वन ठीक है तो हम उतने डिजिट्स पॉइंट को पीछे लेकर आ जाते हैं लाइक पॉइंट अभी यहां पर मौजूद है तो पॉइंट वन डिजिट पीछे आ जाएगा और इसकी डेसिमल फॉर्म बन जाएगी जीरो पॉइंट वन ओके पॉइंट को हम वन डिजिट पीछे लेकर आ जाएंगे सो इट बिकम जीरो पॉइंट वन सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन क्लियर सिमिलरली एक और पार्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर फाइव वन बाय ट्वेंटी फाइव यहां भी हमने डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल टेन की पावर में कन्वर्ट करना है लाइक like, यहां पर हम डिनोमिनेटर को टेन की पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं फोर के साथ सो वन डिवाइड दैट इज मल्टीप्लाई बाय फोर एंड डिवाइडेड बाय फोर सो वन इन इट बिकम्स फोर

सो टू डिजिट पॉइंट पीछे आ जाएगा सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दस फ्रैक्शन क्लियर नाउ एक और पार्ट सॉल्व करते हैं सो द नेक्स्ट पार्ट इज वन बाय फोर्टी सो अगेन यहां भी आपने डिनोमिनेटर को फर्स्ट ऑफ ऑल टेन की पावर में कन्वर्ट करना है तो इसको यहां पर टेन की पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ट्वेंटी से

डिनोमिनेटर okay, so, so, को टेन की पावर में लेकर आना है और उसको पावर में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव एंड डिवाइड बाई बाय ट्वेंटी फाइव

उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर सो लेट्स फाइंड इट आउट कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा पार्ट टर्मिनेटिंग नहीं है द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज 13 बाय 4 सो so, इसको हम सॉल्व करते हैं सो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे 13 एंड 4 हियर सो so, 4 3 इज 12 एंड 13 12 इट बिकम्स 1 सो so, अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सो हो सकता तो आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा नाउ फोर टू जा एट सो टेन माइनस एट इट बिकम्स टू अगेन पॉइंट की वजह से यहाँ पर जीरो आ जाएगा सो फोर फाइव जा फर्दर जिसको आप सिप्रेट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द आंसर इज जीरो क्लियर सो इस तरह से आपके पास जो आंसर आया है दैट इज थ्री तो ये डेसिमल जो है ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं दैट्स व्हाई इसे हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्लियर समरली एक और पार्ट सॉल्व करते हैं व्हिच इज 5/7 तो अगेन यहां भी हम इसको डिवाइड करेंगे सो 5 हियर एंड 7 सो अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहां पर पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट की वजह से यहां पर एक जीरो आ जाएगा सो नाउ 7 7 7 49 So, यहाँ पर अगेन एक जीरो थ्री सो पॉइंट की वजह से अगेन यहाँ पर जीरो आ जाएगा सो अगेन सेवन फोर जा ट्वेंटी एट एंड थर्टी माइनस ट्वेंटी एट इट बिकम्स टू और पॉइंट की वजह से फर्दर यहां पे फिर जीरो आ जाएगा बिकॉज ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता सो अगेन सेवन टू जोन ओके सो इसको हम जब फर्दर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स तो so, इसको अब आप फर्दर सॉल्व करते जाएंगे सो so, ये एक कॉन्टिन्यू नंबर जो है ये क्रिएट हो जाएगा सो दैट्स वाई से हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज डेसिमल्स को की फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड इट जीरो पॉइंट टू फाइव अब यहां पर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे like के बाद, जितने भी होंगे हम उतने टेन के पावर से फर्दर इसको डिवाइड कर देंगे और पॉइंट को वहां से रिमूव कर देंगे so

आई होप आपको पार्ट समझ आ गया होगा इसी के साथ एक और पार्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर सिक्स जीरो डिवाइडेड बाय फोर अगेन यहां भी अब आप इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और पॉइंट को जैसे हम रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं आगे कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो मौजूद हैं वन टू थ्री फोर सो यहां पर फोर डिजिट आगे मौजूद हैं सो so हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे टेन थाउजेंड से डिवाइड बाय हेयर इज फोर पॉइंट नाइन फाइव तो अगेन यहां भी पॉइंट के आगे टू डिजिट्स मौजूद हैं तो इस फोर नाइन फाइव को हम हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे अब तो आप सोच रहे होंगे कि पॉइंट के बाद मैंने यहां पर ये यह जीरोस क्यों नहीं लिखे बिकॉज जो स्टार्टिंग जीरोस होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती कोई वर्थ नहीं होती दैट्स वाई आप कभी भी स्टार्टिंग जीरोस नहीं मेंशन किया करते हमेशा जो नॉन जीरो डिजिट होता है विच इज़ लाइक नाइन एंड हेयर इज़ लाइक फोर ठीक है तो आप इन डिजिट्स को हमेशा मेंशन किया करेंगे क्लियर नाउ हियर ये जो है, ये टू टू इस जीरो से आउट हो जाएंगे और फर्दर ये 495 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सो इट बिकम्स ओवर वन बाय फाइव हंड्रेड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन क्लियर

लाइक द फर्स्ट पार्ट फोर वन बाय सिक्स उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सिक्स फोर्स आर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर प्लस इट बिकम्स ट्वेंटी फाइव बाई इसको हम डिवाइड करते हैं और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ट्वेंटी so, फाइव हम इन प्लेस करेंगे और सिक्स जो है वो आउटसाइड प्लेस होगा सो अगेन सिक्स फोर आर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फोर इट बिकम्स वन ये फर्दर डिड नहीं हो सकता

डिवीज़न में रेपिटेशन स्टार्ट होगी आपने डिवीज़न को वहीं पर स्टॉप कर देना है बिकॉज ये इसी तरह से डिवाइड होता रहेगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा बिकॉज यहाँ पर जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो आ जाएंगे सो दैट्स वाई इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे और आपका आंसर जो है वो होगा 4.1666 एंड सो ऑन क्लियर दी कंटिन्यू रहेगा बिकॉज़ इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर सो इसी के साथ एक और पार्ट सॉल्व करते हैं सो व्हिच इज 141 बाय 185 सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सो so, 185 वंस आर 185 प्लस 41 इट बिकम्स 226 बाय 185 सो so, 226 बाय 185 185 एटी फाइव क्लियर सो फर्दर इसको जब आप कैंसल आउट करेंगे सो द आंसर इज 41 ओके okay? सो so, अब फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता तो हम यहां पर पॉइंट पॉइंट की वजह से यहां पर जीरो आ जाएगा सो so 185 एटी फाइव टू जी सेवेंटी सो फोर टेन माइनस थ्री सेवेंटी इट बिकम्स फोर्टी फोर्टी फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो पॉइंट की वजह से यहां पर अगेन एक जीरो आ जाएगा सो वन एटी फाइव टू जी सेवेंटी सो फोर हंड्रेड माइनस थ्री सेवनटी इट बिकम थर्टी सो पॉइंट की वजह से अगेन यहां पर हम एक जीरो एड करेंगे ना वन एटी फाइव वन जन एटी फाइव सो फर्द इसको सेपरेट करेंगे तो अब रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी वन वन फाइव तो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो हम पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक जीरो ऐड करेंगे और आ क्लियर so, तो इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं, नहीं करेंगे तो स्टॉप कर देंगे एंड योर आंसर इज टू कंटिन्यूड सो इस फ्रैक्शन को हमने डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया एंड द आंसर इज वन पॉइंट टू टू One six एंड सो ऑन क्लियर सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा तो इसी के साथ के रिमेनिंग पार्ट अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज